नमस्कार, अभी अभी आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं ट्रू फैक्ट न्यूज़ को और मैं हूं आपके बीच मुकेश झा। अभी मैं गुरहेनमा स्टेशन पर यहां पर मौजूद हूं, जो कि गुरहेनमा स्टेशन से लगभग कुछ दूरी पर, लगभग 50 मीटर की दूरी पर यहां पर मौजूद हूं। और यह जो आप बोर्ड देख रहे हैं, सशस्त्र सीमा बल का बोर्ड यहां पर लगा हुआ है और ये बॉर्डर इलाका है। बॉर्डर इलाका के पास मैं यहां पर मौजूद हूं। कोरोना वायरस को लेकर के किस प्रकार से कैसे रोकथाम की, और यहाँ पर जो हमारे बीच जो अधिकारी हैं और जो पदाधिकारी भी मुस्तैद हैं, ड्यूटी पर तैनात है यहाँ पर। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यह रास्ता जो लाइन है, यह रेलवे लाइन है, यह आपको सीतामढ़ी, रीगा, मोहनी मंडल, ढेंग, बरगनिया, गुरहेनमा, चैनपुर, घोरासहन, आधापुर, छरोजांच, पतपकरिया, जयमुती नगर, नकरदई, रक्सौल, सिक्का, कोखला, मुरजरवा, नरकटियागंज होते हुए बघा तक की रास्ता की ओर ले जाने की, जोड़ने की काम करती है। और ठीक यहाँ पर ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के पास मैं यहाँ पर अभी मौजूद हूँ। हमारे बीच यहाँ पर कुछ सुरक्षा बल मौजूद है कि यहाँ पर बॉर्डर इलाका पर तैनात है अपने ड्यूटी के क्रम में। आइए मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से कोरोना वायरस को लेकर के यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं और कैसे आप संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ते हैं, किस प्रकार, क्या आपका हाव भाव है और इस पर किस प्रकार से आपको सजगता रखनी पड़ती है, और कैसे आप जो है समझ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि यह कोरोना वायरस से ग्रसित है। आइए आप तमाम दर्शकों को मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ, जो कि हमारे बीच यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं। जो आप जो ड्यूटी पर है सर, मौजूद है यहाँ पर, जो बॉर्डर इलाका है सर, इस बॉर्डर इलाका पर किस प्रकार से आप कैसे समझ में आता है कि पहले जो है कि जो ये व्यक्ति संदिग्ध है और एक कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकता है, उसके लिए क्या क्या उपचार वगैरह क्या आपके पास प्रावधान है, या आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएंगे? इसका प्रावधान यही है कि हम बॉर्डर में बता रहा हूँ जो पब्लिक को, इसके लिए हमेशा साफ सफाई रखना है। आप बाहर से जितना बड़ा आएगा हाथ धुलाई करना है, और सर्दी जुकाम ऐसा को जो सिम्टम्स होगा था हमारा बॉर्डर पे ऐसा जो ड्यूटी रहता है उनको बता रहा हूँ। तो 10 मुझे फ़ोन करने के लिए बता रहा हूँ, और फोन करने के बाद उनको गाड़ी आया, डॉक्टर ले जाएगा, सब लोग प्राथमिक चिकित्सा है इनका, वो तो खुद अपना केयरफुल नहीं को होगा, थोड़ा दूसरा के लिए जा सकता है। ये अभी हमारे इंडिया में सेकेंड स्टेज में है। अभी इसको अगर थर्ड स्टेज में अगर फैल जाएगा तो बहुत गंभीर हो जाएगा। किस जिला आपका जो ये जो रेंज है, ये रेंज आपको किस जिला से, किस जिला में पड़ता है? ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सर आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बॉर्डर इलाका है सर, बगल में भारत है आप देख रहे हैं, और नेपाल है सर, और उसका ये बॉर्डर इलाका है। आप सर ड्यूटी के बारे में सर बता सकते हैं कि आपका जो फोर्स है वह किस प्रकार से कैसे ड्यूटी करते हैं, कितने घंटा का उसका अंतराल होता है, आप इसके बारे में बताएं। ड्यूटी हमारा यहाँ ड्यूटी होता है, जनसाधारण को यहाँ का जो बॉर्डर पर जनसाधारण को उनको रक्षा करना है, उनको उनको देखभाल करना है, उनका नहीं है। और पहाड़ से कोई स्मगलर नहीं होना चाहिए। इसे अवैध जो सामान गतिविधि है। सर एक बात और बताया जाए कि हमारे जो है कि जो आपको बिहार में जैसे ये सीमा हो गया, ये सीमा के जब बाहर सर किस प्रकार से कैसे जो है कि ये जो इतना ड्यूटी मुस्तैद होता है, तैनात रहते हैं यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल SSB के, और उसके बावजूद भी सर ये जो शराब जो है कि कैसे अपने इंडिया में सर पार हो जाता है, कैसे क्रॉस कर जाता है, और इसी रास्ते से ही, अगर इस रास्ते से ही नहीं जबकि सीमा का जहाँ जहाँ बॉर्डर है आखिर तो वो क्रॉस ही होता होगा ना सर, तो वो किस प्रकार से जो है कि जो शराब आ जाता है, आप इसके बारे में बताएंगे? बात ऐसा है, ये नेपाल और नेपाल बॉर्डर है, ये खुला बॉर्डर है, इसमें बहुत ही रास्ता होता है, जैसे खेत में भी निकल जाता है कोई, हम लोग का जैसे एरिया में जहाँ जहाँ जो मेन रास्ता है उसको तो हम रुका सकता हूँ, जो बीच में जो छोटा छोटा रास्ता होता है इसमें तो रुकने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहा हूँ शराब को
तस्करी नहीं है ना, हमें नहीं देना, देने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी हम भी जानता हूँ जो तस्करी हो रहा है, लेकिन हम जितना हो सके हमारे संस्था का द्वारा उनको हम लोग बंद करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपके ड्यूटी पर यहाँ पर अभी तक किसी ने पकड़ाया है क्या? आपने किसी को पकड़े हैं अभी तक? अभी तक तो हम लोग बहुत ही पकड़ा हूँ दारोल कार्बी में, कम से कम 2,740 बोतल दारू पकड़ा हूँ, 2,470 बोतल दारू पकड़ा हूँ, एक गाड़ी भी पकड़ा हूँ, एक आदमी भी पकड़ा हूँ। कल इसको मैं कुंदवा सिंहपुर थाना में जमा करके आया हूँ। सर बताएंगे आपका नाम क्या हुआ? मैं एसआई जी रिपोर्ट बोल रहा हूँ। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने यहाँ पर सुना, मैं यहाँ पर बुरहेनमा स्टेशन पर जो एसएसबी का है, यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल के लोग हैं, यहाँ पर ड्यूटी पर दिन रात तैनात रहते हैं। और किस प्रकार ने सर ने जिस प्रकार से बताया, आपने तमाम दर्शकों ने यहाँ पर सुना। टेक्नीशियन आलोक गुरु, कैमरा पर्सन मुन्ना ओझा के साथ मैं मुकेश झा बुरहेनमा स्टेशन के बुरहेनमा बॉर्डर से, भारत नेपाल सीमा से। देखते रहिए ट्रू फैक्ट न्यूज़।